नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज प्रसंगे एक निरा आलोचना। जगन्नाथ मस्तक कौन केश अच्छी? कोटि कैवल्यनाथ अशरण शरण अरक्ष रक्षण लीलामय श्री जगन्नाथ भक्त प्रिय भक्त वत्सल भक्त नित्य लीला करीक्षेत्र भक्त खोली द्वार दुई भुज विस्तार कर बढ़े भक्त मान सी परम सेव्य सीए बापा सीए माँ सीए भाई सीए भौनी सखा बंधु तुम्हें सर्व मम देव देव रसानंदमय परम मंगल मंगल मानक सीए हूँ जगन्नाथ महाप्रभु जी महामंगल। जगन्नाथ महाप्रभु बिना ओडिया जाति परिकल्पना करिपारे ना तार जीवन को। आम ठाकुर कालिया सांते भारी श्रृंगार प्रिय प्रभु नाकरे नोलक मथारे चित्ता मुंडरे ओढ़णी उपमा नाही तांक स्वरूप रूपलावण्यर किंतु केही केबे देखिनांती जगन्नाथंकर मस्तकरे केश बा बाळ आश्चर्यचकित विस्मय भरा चाहणी मन को आंदोलित करुछि वीर श्री गजपति गोडेश्वर नवकोटी कर्णाट उत्कल कलबर्गेश्वर विराधि वीरवर प्रतापी श्री श्री प्रताप रुद्र देवंकर यह कौन सत्य? महाप्रभुंकर मस्तकरे केश सर्व रहस्यमय सबु असंभवर एकमात्र ठाकुर तांक पाखरे तो सबु किछि संभव। बड़ विचित्र कथा जहाँ वेद कही पुरुष गीता कही पुरुषोत्तम आउ भागवतरे से हेउछन्ति पुरुषोत्तम तम तांकर मस्तकरे पुणी बाळ बा केश विश्वास नहेले भी सत कथा। एही घटनाटी हेउछि 16 शताब्दीर प्रताप रुद्र देवंकर समयर कथा। राजा श्री प्रताप रुद्र देव प्रतिदिन सकाळु प्रभुंक दर्शन सारी प्रभुंक लागी फुल आनी फेरी आसंति श्री नवर को तापरे तांकर कार्यभार तुलांति। दिनकर कथा पूजा नीति रे प्रभुंकर विलंब घटिछि। राजा प्रताप रुद्र देव आसी पहुँचि जाइछन्ति। सेही समयर पूजा पंडा थांति तिलोच्छ महापात्र। राजा प्रभुंक दर्शन सारी लागी फुल मागंती तो तिलोच्छ महापात्र निज मुंडरे लगाइथिबा फुलटी को लुचाई आनी राजांक हाथ को बढ़ाई देले। राजा घर को जाई प्रभुंक फुल को देखंती तो सेथिरे एक बड़ चुट्टी लगिथिला। एहा पूजा पंडार फुल बोली राजा जानिपारिले। तत्क्षणत तो तिलोच्छ महापात्र को डाकी पचारिले, पूजारी ए केश कहार? पूजारी डरीगले एवं भाविले जदि मु कहिबि एहा मो केश तेबे राजदरबार रे राजा निश्चय मत दंडित करिवे। राजा पुणी पचारिले अरे पूजारी ए केश कहार? पूजारी मुहरु कथाटा बाहरी गला जगन्नाथंकर। एहा सुनी गजपति भाविले ये निश्चय मिछ कहुची। से कहिले एहा किपरि संभव? जगन्नाथंकर तो केश नाही। गजपति महाराज कहिले हौ मु काली सकाळे मंदिर गले देखिबि श्रीमंदिर जगन्नाथ प्रतिमारे केश अच्छी कि नहीं। जदि तुम्हें मिछ कहुथाओ तुमको कारागारे पकई दिजिव। पूजारी दौड़ी आसिले जगन्नाथ पाखक एवं कहिले प्रभु मु भूल कर देछि मो पिला माने तुमको लगिले राजा निश्चय मत कारागार को पठाई देबे काली जेते बेले आपणक प्रतिमारे केश न पाइबे। एहा कहि मन दुखरे पूजारी घर को गले। रातिरे पूजारी स्वप्न देखिले जगन्नाथ कहुछंती तू व्यस्त हो ना मु अछि। परदिन पूजारी मंदिर गले। सकाळ धूप सरिला राजा तांक सैन्य बाहिनी धरी आसिले। सीधा पशिले गर्भगृह जगन्नाथ प्रतिमा पाखरे ठिया होई पूजारी को आंगुली देखाई कहिले पूजारी जदि कालियार केश नथिबो तते आज कारागार हेबारु केही बंचै परिबेनी। तापरे से जगन्नाथ मुंडर पछपट को हात मारिले। ये कौन? गजपति महाराज देखिले बार हाथ लंबर केशगुच्छ लंबी जाइछि जगन्नाथ मस्तकरु। राजा भाविले ए पूजारी निश्चय नकली केश लगाई देइछि जगन्नाथ मस्तकरे। राजा किछि केश को धरी ओपाड़ी आनिले। बही आसिला रक्तर धार महाप्रभुंकर मस्तकरु। एहा देखि गजपति चित्कार कले त्राहिमा त्राहिमा त्राहिमा। पूजारी समते सैन्य दल दौड़ी आसिले। पूजारी देखिले महाप्रभुंकर मुंडरे रक्त गजपति को हाथ रे केश। से सब बुझीगले
टौड़ी गले निज पिंधा लुगारे प्रभुंक मुंडरु रक्त पोछी देले भावरे कांदि पकाइले एपटे गजपति कांदुछंती सैन्य दल पचारुछंती मणिमा मणिमा आरपटे पुजारी समेत ग्रामर लोक माने जगन्नाथंक चरणरे क्रंदनरत अरे कालिया भक्त पाई परा तो जीवन राजा प्रभुंक पाद तले पड़ी निजर दोष पाई क्षमा मागिले ओ तिलोच महापात्रंक मध्य क्षमा मागिले जुगे जुगे भगवान भक्तर ओ भक्त भगवानंकर आजिरो भिडियोटी एठी शेष होईचि सांग माने आजिरो ए भिडियोटी आपण मानंकु केमिति लागिला कमेंट बॉक्स को जाई मतामत देबे भलो लागितिले लाइक करिवे सांग मानंकु शेयर करिवे आ मो चैनल को जदि सब्सक्राइब करिनाहंती तबे सब्सक्राइब करिवे आज पाई रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ।